झुंझुनू से लगते हरियाणा बॉर्डर पर लगातार कई दिनों से एटीएम लूट गिरोह सक्रिय है। सूरजगढ़ के बलोदा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले गए। एटीएम मशीन में करीब 8 से 10 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बता दें कि क्षेत्र में ये तीसरी बड़ी एटीएम लूट की वारदात है। झालावाड़ में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने लाइव डेमो दिए। गावड़ी तालाब पर ये लाइव डेमो दिए गए। इसमें बताया कि बाढ़ और आपदा की हालत में किस तरह से कार्य किया जाता है और हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में ज्यादातर बाढ़ के हालात बन जाते हैं। ऐसे में खुद को और अपने परिवार को किस तरह से बचाया जा सकता है, इसका लाइव डेमो दिया गया। इस दौरान एनडीआरएफ टीम के राजस्थान प्रभारी योगेश मीणा और जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, उप पुलिस अधीक्षक राजेश यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के पास दूदू थाने से महज 600 मीटर दूरी पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में चार वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें दो अनियंत्रित ट्रेलर और एक कार भिड़ गई। हादसे में घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। नागौर के लाडनू पुलिस ने मुंबई से एक्सपायर्ड चॉकलेट बिस्किट लाकर जिले भर की दुकानों पर कम दामों में सप्लाई कर लाखों रुपयों का मुनाफा कमाने के गोरख धंधे का खुलासा किया है और मोहम्मद असलम के गोदामों पर दबिश देकर भारी मात्रा में एक्सपायर्ड चॉकलेट बिस्किट पकड़े हैं। गोदामों से मिले तकरीबन 25 टन एक्सपायर्ड चॉकलेट बिस्किट को डंपिंग यार्ड में रोड रोलर से कुचलकर नष्ट किया गया। गौरतलब है कि नागौर के पास बासनी निवासी युवक असलम मुंबई से एक्सपायर्ड माल बहुत कम दामों पर लाकर यहां सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाता था। अलवर के सदर थाना क्षेत्र के नगला मुंशी गांव में ग्रामीणों ने एक युवक पर इलाके में चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले भी 10 सितंबर को भी एक युवक को गांव के घर में घुसने के बाद पकड़ा गया था, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। जोधपुर के लोहावट के डेरियों की ढाणी में रॉयल्टी ठेके से घर लौट रहे व्यक्ति के वाहन को घेर कर करीब 1.5 दर्जन हमलावरों ने लाठियों और कुल्हाड़ियों से उस पर जानलेवा हमला कर दिया और कलेक्शन के करीब 15 लाख रुपए भी लूट लिए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को लोहावट अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवा जोधपुर रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित के भाई की रिपोर्ट पर करीब 1.5 दर्जन युवकों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और 15 लाख रुपए की लूट का नामजद मामला दर्ज करवाया। जयपुर के सामो थाना इलाके के बंदोल घाटी के जंगल में पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर सामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान किशन लाल उर्फ कृष्ण कुमार सैनी के रूप में हुई। सिरोही के माउंट आबू के गुरुकुल मार्ग पर स्थित अर्बुदा माता मंदिर परिसर में अचानक 3 भालू विचरण करते हुए नजर आए, जहां भालुओं का झुंड भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हुए नजर आया। नागौर से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। शराब के नशे में एक दरिंदे ने नाबालिग के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि घर में अकेला पाकर आरोपी दिनेश ने रेप किया, बाद में नाबालिग का शव खेत में मिला। डूंगरपुर के 84 में लगातार बारिश से विद्युत निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिजली के पोल गिर गए और बहुत से ट्रांसफार्मरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। उदयपुर के कुराबड़ में इडाना माता शक्तिपीठ पर ग्रामीणों ने कर्मचारियों को धमकाते हुए दानपात्र और कमरों के ताले लगा दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। डूंगरपुर के 84 के धम्बोला कस्बे में स्थित खेम सागर तालाब ओवरफ्लो हो गया, जिसे ग्राम पंचायत की ओर से पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, जहां पर छोटे बच्चे खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। पाली के देसूरी के चारभुजा नाल में संतुलन बिगड़ने से लकड़ियों से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। डूंगरपुर के 84 में उपशाखा सिमलवाड़ा ने ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अभियान शिविरों का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। अलवर के अंबेडकर नगर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी हुई एक कार को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दासमंद के भीम थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। पुलिस ने 108 की सहायता से शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। डूंगरपुर के 84 के थाम का तालाब में तेज बारिश के चलते 70 साल की वृद्धा का मकान गिर गया, वहीं कच्चे और केलोपोश मकान भी ढह गए।
प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन महाअभियान लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में 12,135 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में 84% लोगों को लक्ष्य के मुकाबले वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। पाली के फालना में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ग्रामवासियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोटा में कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा 27 सितंबर से आयोजित करवाई जा रही पीजी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और पीजी परीक्षाओं को स्थगित कर तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की गई। सीकर के अजीतगढ़ में कम मजदूरी और भ्रष्टाचार को लेकर मनरेगा मजदूरों ने गुस्सा जताया और अजीतगढ़ पंचायत समिति का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। सिरोही के मंडार में कुएं से निकल रही बिजली की लाइन का तार अचानक टूटने से नीचे बैठी 3 भैंसों की मौत हो गई। सूचना पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। झुंझुनू में पूर्व सैनिकों ने पोलो क्लिनिक हॉस्पिटल के सड़क से अतिक्रमण हटाने की मांग की है, जिसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ के कनाड गांव में 4 दिन पहले एक खेत पर हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी और उसके बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार किया है। रुपयों के लेन देन को लेकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जयपुर के दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने अपने अमृत नगर निवास पर ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई की और दूदू मोजमाबाद और फागी पंचायत समिति के ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण भी किया। सीकर के अजीतगढ़ के अस्पताल में विधायक दीपेंद्र सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। ऑक्सीजन प्लांट में 450 लीटर प्रति मिनट का उत्पादन होगा। दौसा में हंगामे के बाद समझौता वार्ता की गई, जिसमें सभी पार्षद और सीओ दीपक संघ, कोतवाली थाना पुलिस भी मौजूद रही। भीलवाड़ा के करेड़ा में पुलिस ने 240 किलो डोडा चूरा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की थी। बजरंग दल कार्यकर्ता पर फायरिंग के मामले में प्रतापगढ़ का अरनोद कस्बा दूसरे दिन भी बंद रहा। व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर घटना के प्रति आक्रोश जताया। बीएसएफ की सद्भावना साइकिल रैली सिरोही के देवदर में पहुंची, जहां सरपंच अजबा राम चौधरी के नेतृत्व में रैली का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में ऑटो ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और जांच में जुट गई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। अजमेर के नसीराबाद में बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए नगर पालिका द्वारा बने सार्वजनिक शौचालय को 2 साल हो गए हैं, जिसका अभी तक उद्घाटन न होने के कारण शौचालय के बाहर जंगली पेड़ पौधे और झाड़ियां उग गई है। सीकर के फतेहपुर में भागवत को शहर के मुख्य इलाकों में भ्रमण कराया गया। वर्षों से चल रही परंपरा के तहत नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर से गाजे बाजे और घोड़े के साथ जुलूस निकाला गया। सीकर के फतेहपुर में नगर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी ने छोटी मस्जिद के पास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। योजना के तहत 51 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। प्रतापगढ़ में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कनिष्ठ तकनीकी सहायक कर्मचारी संघ के बैनर तले तकनीकी सहायक कर्मचारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। मांगे नहीं माने जाने पर प्रशासन गाँव के संघ अभियान के बहिष्कार की चेतावनी भी दी। डूंगरपुर के गुमानपुरा नदी फला गांव में खेतों में एक अजगर ने बकरी का शिकार कर लिया। इधर अजगर बकरी को निगलता उससे पहले ग्रामीणों ने अजगर को बकरी से दूर किया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में जैन समाज के योगिंद्र गिरी अतिशय क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ स्थित भगवान के कई छोटे बड़े मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। 26 सितंबर को होने जा रही रीट की परीक्षा को लेकर बूंदी में रोडवेज प्रशासन मुस्तैद है। अभ्यर्थियों के लिए 45 रोडवेज बसों को जिला प्रशासन को सुपुर्द किया गया है, जिससे अभ्यर्थी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। झुंझुनू के पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों की अच्छी सेहत के लिए निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित किए गए इस शिविर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों का निःशुल्क चेकअप कर परामर्श किया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में गोल गांव के पास सोम नदी में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना आसपुर थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला।
अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बडेर में एक 50 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सवाईमाधोपुर के बामनवास नगरपालिका मुख्यालय पर गंदगी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि एक सामाजिक नेता ने आत्महत्या की धमकी तक दे डाली और मुख्य बाजार में प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। डूंगरपुर के छापी गांव में 7 जून को करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहीं एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि जब युवक की करंट लगने से मौत हुई थी तब घटना के वक्त गांव का एक अन्य युवक राजू मनात मृतक के साथ था। इस कारण से मृतक का परिवार राजू मनात के परिवार से मुआवजे की मांग कर रहा है। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट की जर्जर हो चुकी जामली पुलिया पर वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीकर के खाटू श्याम जी में अस्पताल चौराहे पर लगे जाम में फंसने से एक बेहोश श्रद्धालु की मौत हो गई, जिस पर लोगों ने मौत का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को बताया और कहा कि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। ब्यावर में वृंदावन के संत कान्हा जी महाराज के सानिध्य में गायत्री नगर में चल रही भागवत कथा का समापन हुआ। कथा का समापन रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र के साथ हो गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत के मामले में 38 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हो पाया। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद स्कूलों में महीनों बाद रौनक लौट आई। 12 में मांगरोल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने वकील चंद्र प्रकाश एडवोकेट की गिरफ्तारी का विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर थानाधिकारी रामविलास को सस्पेंड करने की मांग की। बोली के बागडोली गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में बड़ा हादसा टल गया। वहीं पोल क्षतिग्रस्त हो जाने से संबंधित क्षेत्र में रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। जोधपुर में पितृपक्ष शुरू होते ही शहर के पदमसर कायलाना भूतनाथ सहित कई जगहों पर तर्पण कार्यक्रम हुआ। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सीकर के फतेहपुर में नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के तहत श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने बड़े ही धूमधाम से शिरकत की। विजयनगर में स्थानीय व्यवसायी सुनील कुमार कावड़िया का जरूरतमंद नेत्र रोगियों के निशुल्क ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है, जिसके तहत कावड़िया ने 181वां निशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। मसूदा के खरवा गांव के एक फार्म हाउस में बने पोंड में डूब जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकलवाया और जांच शुरू की। सिरोही की सरहद से लगे विश्व प्रसिद्ध गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भाद्रवी पूनम का मेला भरा गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां अंबे के दर्शन करने पहुंचे। ब्यावर में जिला कांग्रेस सेवा दल ने शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों में यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की, जिसको लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर में वामपंथी जनवादी मोर्चा ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगवाने के साथ ही स्वामी कुमारानंद सर्किल की जीर्णोद्धार करवाने की मांग की, जिसको लेकर मोर्चा पदाधिकारियों ने नगर सभापति को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से अज्ञात चोरों ने एक कंप्यूटर मॉनिटर और प्रिंटर चुरा लिया, जिसको लेकर संस्था प्रधान दिनेश कुमार ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी। सरदार शहर में स्पेशल पुलिस की टीम ने तस्करी के मामले में बोलेरो सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ में जुट गई। बोली के ग्राम पंचायत कार्यालय पर पंचायत राज चुनाव के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत सभागार में सरपंच कमलेश जोशी और वार्ड पंचों ने नव निर्वाचित प्रधान का स्वागत किया। ब्यावर में संत रविदास छात्रावास समिति ने चमड़ा घर की भूमि पर छात्रावास बनाने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भेजने की मांग की, जिसको लेकर पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त और सभापति को ज्ञापन सौंपा। जालौर में सायला के उनड़ी पाथेड़ी मार्ग पर हुई लूट के आरोपियों को गुजरात की सूरत पुलिस ने पकड़ा और अनुसंधान शुरू किया।
धौलपुर के निहालगंज में राजकीय उच्च माध्यमिक महाराणा स्कूल के पास संचालित कंप्यूटर सेंटर में चोरी की वारदात हुई। सूचना से पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में रीट परीक्षा देने अन्य जिलों से परीक्षार्थी पहुंचेंगे, साथ ही जिले के परीक्षार्थी भी अन्य जिलों के लिए प्रस्थान करेंगे, जिससे यातायात पर काफी दबाव रहेगा।